नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है विंध्यन सुपर ग्रुप। विंध्यन और कुड़प्पा सुपर ग्रुप प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशंस के अंतर्गत आते हैं और इसकी एज है विंध्यन की अपर पुराना। इससे पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा था कुड़प्पा सुपर ग्रुप जिसकी एज थी लोअर पुराना, और आज हम देखेंगे विंध्यन सुपर ग्रुप के बारे में। इसकी एज है अपर पुराना, यानी यह यंगर फॉर्मेशन है कुड़प्पा से। कड़प्पा सेलों के निक्षेपण के पश्चात कुछ समय के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भू हलचल एवं अपरदन की क्रिया चलती रहती है। एक अंतराल के पश्चात नए सेलों का निक्षेपण हुआ जो करीब 100,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस काल में प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः तीन श्रेणियां थीं। पहली विंध्यन श्रेणी विंध्याचल एवं संलग्न क्षेत्रों में विस्तृत थी। इस श्रेणी के निक्षेपित सेल बिहार के डेहरी आनसोन से लेकर होशंगाबाद तथा चित्तौड़गढ़ आगरा एवं ग्वालियर में विस्तृत है। यह संभवतः अधो हिमालय तक विस्तृत थी, यानी लोअर हिमालय तक फैली हुई थी। दूसरी थी कड़प्पा श्रेणी जिसमें निक्षेपित सेल आंध्र प्रदेश में कुंडेर कृष्णा घाटियों एवं पालनाड में है। गोदावरी घाटी तथा गुलबर्गा एवं बीजापुर में भीमा नदी घाटी के सेल भी इसी श्रेणी के हैं। तीसरा छत्तीसगढ़ में विकसित है। विंध्याचल पर्वत में सुविकसित होने के कारण हम इसे विंध्यन समूह या विंध्यन सुपर ग्रुप कहते हैं। विंध्यन सेलों की कुल मोटाई लगभग 4,000 मीटर है तथा इनका अधिकांश भाग तरंग चिन्ह विपलवाक्स पंख विदर एवं तिरेक संस्त्रों की उपस्थिति के कारण छिछले जल में निक्षेपित प्रतीत होता है। व्रेडेनबर्ग के अनुसार इनका निक्षेपण अवसादन के साथ सिमटती श्रेणी में हुआ था। ओडिन नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रमुख श्रेणी में समुद्री और नदीय स्थितियाँ थीं। मेलेट इसे ज्वार नदमुखी मानते हैं। वस्तुतः निचले भाग में ये सेल समुद्री तथा ऊपरी भाग के सेल नदी उत्पत्ति के हैं। इस समूह के निचले भाग में ग्लोकोनाइटी सेल है। ग्लाकोनाइट उस काल के जीवों की उपस्थिति के अप्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्लाकोनाइट की उपस्थिति बिहार में डेहरी आनसोन तथा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के आबरा नामक स्थान में इन सेलों की कोयलायुक्त परतें दिखाई देती हैं। इनमें ब्रिटेन के अंतर्व्यवस्था एल्गल स्पोर एवं वेस्कुलर प्लांट के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास रामपुरा के सुकेत सेल से गोलाकार रकाबी के आकार के कार्बनी अवशेष मिले हैं। सेसिल जोन के अनुसार यह ओबोलेला या एरिजोन के प्री कैम्ब्रियन सेलों से प्रतिवेदित क्वारिया सर्कुलेरिस है, लेकिन डॉक्टर एफ चैपमैन ने इनको प्रोटोबोलेला जोनसी फर्मोरिया मिनिमा फर्मोरिया ट्राइपार्टिया एवं फर्मोरिया ग्रेनू लोजा के रूप में निर्धारित किया है। ये ब्रेकियोफोर्ट्स है। कुछ लोग इन्हें वनस्पति अवशेष भी मानते हैं। सानी ने इनसे कृष्णानिया नामक अवशेष प्रतिवेदित किया। डॉक्टर के पी रोडे ने भी रोता सोना पत्र से एक जीवाश्म हो जाए। हावे ने इनका अध्ययन करने के पश्चात इन्हें प्राथमिक जीवाश्मों की उपस्थिति प्रमाणित की है। प्रमुख विंध्य बेसिन के सेलों में सिलिका में सेल प्रमुख है। निचले एवं ऊपरी भागों में कैल्शियम सेल है तथा बीच के कई स्तरों में मणिमय सेल भी दिखाई देते हैं। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं विंध्यन सुपर ग्रुप का। विंध्यन सुपर ग्रुप हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ग्रेट विंध्यन माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश वेयर इट इज वेल डेवलप्ड। मध्य प्रदेश में वेल एक्सपोज्ड विंध्यन सुपर ग्रुप है वो, और विंध्यन माउंटेन्स के आधार पर इसका नामकरण विंध्यन सुपर ग्रुप पड़ा। द विंध्यन सुपर ग्रुप रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर दी ओल्डर फॉर्मेशन सच एज बीजावर एंड आर्कियंस। यह बीजावर ग्रुप के ऊपर ओवरलेन है, मतलब उससे यंगर है, उसके ऊपर एक्सपोज्ड है एंड आर ओवरलेन बाई डेकन ट्रेप्स, और इसके ऊपर डेकन ट्रेप चट्टाने पाई जाती है। विंध्यन से यंगर है डेकन ट्रेप्स। द विंध्यन सुपर ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी अपर पुराना एज। जो इसकी आयु है वो अपर पुराना है जैसा कि हमने पहले भी बताया है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इन इंडिया। द विंध्यन रॉक फॉर्मेशन अकर इन फोर एरियाज। चार क्षेत्रों में मुख्यतः ये विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है मैन विंध्यन बेसिन इन सेंट्रल इंडिया, मैन विंध्यन बेसिन जो कि मध्य भारत में है। दूसरा है कुड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश जिसमें कर्नूल ग्रुप मुख्यतः है। तीसरा है भीमायन गोदावरी रिवर वैलीज, और चौथा है अरावली रेंज इन राजस्थान। द सक्सेशन ऑफ विंध्यन सुपर ग्रुप हैज बेस्ट डेवलप्ड इन द मैन विंध्यन बेसिन इन सेंट्रल इंडिया। तो इसका मुख्य विंध्यन सुपर ग्रुप है वो मध्य भारत में वेल एक्सपोज्ड है।
दिस बेसिन इज वेरी लार्ज एंड सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा एंड सोन रिवर्स। और इसकी लिथोलॉजी क्या है? द चीफ रॉक टाइप्स ऑफ द विंध्यन सुपर ग्रुप आर सैंड स्टोन, सेल्स एंड लाइम स्टोन। एंड द टोटल थिकनेस ऑफ द सक्सेशन इज अबाउट 4,000 to 4,500 meters। द विंध्यन रॉक्स कंटेन रिपल मार्क्स, करंट बेडिंग एंड अदर सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स विच सजेस्ट दैट दे आर ऑफ शेलो वाटर ओरिजिन। और जीवाश्म इसमें कौन कौन से होते हैं फॉसिल्स के बारे में देखेंगे। द विंध्यन रॉक्स आर जनरली अनफॉसिलिफेरस, यानी अनुपस्थित है, अनफॉसिलिफेरस है इसमें मुख्यतः, परंतु कुछ कुछ जीवाश्मों की उपस्थिति पाई गई है जो कि फॉन लाइम स्टोन में है, लोअर विंध्यन में, और सुकेत सेल है जो कि अपर विंध्यन का पार्ट है। द फोन लाइम स्टोन ऑफ द खेंजुआ फॉर्मेशन कंटेन स्ट्रोमेटोलाइट। फोन लाइम स्टोन है जो खेंजुआ फॉर्मेशन का पार्ट है, उसमें स्ट्रोमेटोलाइट की उपस्थिति पाई गई है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। ऊपरी विंध्यन सेल समूह को दो भागों में, तीन भागों में बांटा गया है मुख्यतः, भांडेर, रीवा और कैमूर श्रेणी। भांडेर जो कि यंगेस्ट पार्ट है इसका ऊपरी विंध्यन का, इसे भी सब डिवाइड किया गया। ऊपरी भांडेर बालुकाश्म में, दूसरा है सिरबुसेल, तीसरा है निम्न भांडेर बालुकाश्म में, चौथा है भांडेर चूनापत्थर और पांचवा है गनूरगढ़ सेल। इसके नीचे अनकन्फर्मिटी पाई जाती है जो कि हीरा युक्त संगुटिकाश में है। इसके बाद आता है रीवा श्रेणी, भांडेर, रीवा। रीवा को सब डिवाइड किया गया है, पहला ऊपरी रीवा बालुकाश्म में, दूसरा है झिरी सेल, तीसरा है निम्न रीवा बालुकाश्म और चौथा है पन्ना सेल। इसके बाद अनकन्फर्मिटी पाई जाती है डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमरेट की। इसके बाद तीसरी श्रेणी है कैमूर श्रेणी, जो भी ऊपरी विंध्यन का पार्ट है और यह इसका बेस है ऊपरी विंध्यन का कैमूर। इसे सब डिवाइड किया गया है दंद्रोल क्वार्टजाइड, कगार बालुकाश्म एवं संगुटिकाश्म, इसके नीचे है बीजागढ़ सेल, उससे नीचे है ऊपरी क्वार्टजाइड एवं बालुकाश्म, उसके नीचे है सुषुम्नी शंकुणाश्म और उसके नीचे है निम्न क्वार्टजाइड सेल। यह ऊपरी विंध्यन सेल समूह हो गया। इसके नीचे आता है निम्न विंध्यन सेल समूह जो कि इससे ओल्डर है, इसे बांटा गया है भांडेर, रीवा, कैमूर और शेमरी श्रेणी में। यह शेमरी श्रेणी है और इसे सब डिवाइड किया गया है रोहता समुदाय, खेंजुआ समुदाय, पोर्सेलिनाइट समुदाय और आधारी समुदाय। तो रोहता समुदाय के अंतर्गत क्या आता है? सोन घाटी के चूनापत्थर एवं सेल, करौली के तिरुवान संकोणाश्म एवं चूनापत्थर। इसके अतिरिक्त आता है इसमें चित्तौड़ के सुकेत सेल एवं निम्बाड़ा चूनापत्थर, ये रोहता समुदाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं खेंजुआ समुदाय, इसके अंतर्गत आता है सोनघाटी के ग्लोकोनाइट सेल, फोन चूना पत्थर एवं जैतूनी सेल, करौली के ग्लोकोनाइट संस्तर तथा चित्तौड़ के निम्बाड़ा सेल। इसके पश्चात आता है पोर्सलेनाइट समुदाय, इसके अंतर्गत आते हैं सोनघाटी में पोर्सलेनाइट एवं सिलिकी सेल, करौली के बालुकाश्म एवं संगुटिकाश्म, चित्तौड़ में ग्रिट एवं संकोणाश्म। इसके पश्चात आता है आधारी समुदाय, आधारी समुदाय में आते हैं सोनघाटी के कजराइट चूना पत्थर एवं संगुटिकाश्म। अब इसके बेसमेंट में कड़प्पा एवं अन्य प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन समूह को ऊपरी एवं निम्न विंध्यन नामक दो असमान भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में इन दोनों के मध्य स्पष्ट विषम विन्यास पाया जाता है। निचले विंध्य सेल संरचनात्मक रूप से विक्षुब्ध हैं, जबकि ऊपरी विंध्यन सेलों में कुछ स्थानों को छोड़कर सदैव क्षैतिज हैं। निचले भाग में चूनापत्थर सेल एवं बालुकाश्म तथा पोर्सलेनाइट है, इसमें ग्लोकोनाइट ही संस्तर भी है, कुछ चूनापत्थर स्ट्रोमेटोलाइट ही हैं तथा डोलेराइट द्वारा अंतर्वेदित हैं, इंट्रूडेड हैं। इनमें संगुटिकाश्म, एपिक्लास्टिक संकोणाश्म तथा गुटिका संस्तरों की उपस्थिति इनके अस्थिर स्थितियों में निक्षेपित होने का प्रतीक है। ऊपरी विंध्यन सेल मुख्यतः सिलिका में है तथा केवल ऊपरी भाग में चूनापत्थर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निचले भाग के सेल निक्षेपित होने के पश्चात संरचनात्मक रूप से संपीड़ित और अपर्दित हुए, इसके पश्चात ऊपरी भाग के समावयवी सेलों का स्थिर स्थितियों में निक्षेपण हुआ। राजस्थान में निम्न विंध्य के समतुल्य सेल जोधपुर एवं दक्षिण पूर्वी मेवाड़ में विकसित हैं। जोधपुर के पास एक विस्तृत क्षेत्र में इस काल के फेलसाइट रायोलाइट के लावा स्तर विस्तृत हैं, इसे मलानी श्रेणी नाम दिया गया है। ये लावा अंशतः विट्रियस है, काचाब है,
तथा मुख्यतः विकासित एवं वातामिकीय हैं। इनके साथ टफ एवं ज्वालामुखी संकोणांश में अंतर संस्कृत है। इन बहिर्वेदी सेलों के अंतर्वेदी रूप जालोर के पास हॉर्नब्लेंड बायोटाइट तथा सिवाना के पास हॉर्नब्लेंड ग्रेनाइट हैं। विंध्यंस ऑफ साउथ इंडिया, ये कर्नूल ग्रुप आता है इसके अंतर्गत, विंध्यन ऑफ साउथ इंडिया में। और सक्सेशन क्या होता है इसका, सक्सेशन ऑफ कर्नूल ग्रुप, कुंडेर फॉर्मेशन, पनियम फॉर्मेशन, जम्मल मडगू फॉर्मेशन और बैंगनपल्ली फॉर्मेशन। और विंध्यंस ऑफ राजस्थान में आता है मलानी वोल्केनिक्स। अब सक्सेशन ऑफ कर्नूल ग्रुप हम देखते हैं तो कुंडेर फॉर्मेशन है 200 मीटर थिक, पनियम है 50 मीटर, जमाल मडगू फॉर्मेशन है 200 मीटर और बैंगनपल्ली फॉर्मेशन है 10 मीटर, जिसमें यंगेस्ट सेलेन लाइमस्टोन, उसके पश्चात है क्वार्ट्जाइट, इसके पश्चात है सेलेन लाइमस्टोन और बेसमेंट में है सैंडस्टोन एंड डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट। अब विंध्यन में पाए जाने वाले इकोनॉमिक मिनरल्स, आर्थिक महत्व के खनिज को देखते हैं तो मुख्यतः डायमंड, लाइमस्टोन, पायराइट, बिल्डिंग स्टोन और ग्लास सैंड इसमें पाया जाता है। जो डायमंड है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पन्ना डायमंड फील्ड ऑफ मध्य प्रदेश, और यह ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया में पन्ना। और यहाँ डायमंड होता है और दो सोर्स से प्राप्त होता है, फ्रॉम द अल्ट्राबेसिक इग्नियस पाइप विच इज इंट्रूडेड इनटू विंध्यंस, और दूसरा है फ्रॉम डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट। दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ऑफ गुड क्वालिटी आर फाउंड इन द विंध्यन रॉक फॉर्मेशन, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो लाइमस्टोन यहाँ पाया जाता है उसकी। द इम्पोर्टेंट डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन अकर इन द सोन वैली रीजन ऑफ बिहार एंड यूपी, रेवा एंड जबलपुर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड भीमा वैली रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। और दीज लाइमस्टोन आर यूज्ड इन लाइम, सीमेंट एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तीसरा है पायराइट, द बीजागढ़ सेल ऑफ कैमूर ग्रुप कंटेन ए बेड ऑफ पायराइट विच इज अबाउट 1 meter थिक। दिस बेड आउटक्रॉप्स एट सेवरल प्लेसेज नियर अमजोर इन साबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दिस पायराइट इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड कंटेंस अबाउट 41% सल्फर। दिस पायराइट इज यूज मेनली इन द मैनुफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके पश्चात आता है बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर। विंध्यन सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन यील्ड एक्सीलेंट बिल्डिंग एंड ऑर्नामेंटल स्टोन्स। द पिंक सैंड स्टोन ऑफ भांडेर ग्रुप हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली एज बिल्डिंग स्टोन ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। इसके बाद आता है ग्लास सैंड, द विंध्यन सैंड स्टोन एट सम प्लेसेज यील्ड गुड सैंड्स ऑन वेदरिंग एंड डिस्टिंग्रेशन विच कैन बी यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ ग्लास। और यह पाया जाता है इलाहाबाद यूपी में। इस प्रकार हमने विंध्यन का आर्थिक महत्व भी देख लिया और यह विंध्यन सुपर ग्रुप कंप्लीट हो गया।